चल पाए हैं और एक ही मांग है कि गृहमंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृहमंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृहमंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृहमंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रही।